जब तक हमें कोई चीज आती नहीं है ना, हमें वो मुश्किल ही लगती है। ठीक है, मुश्किल तब तक ही लगती है जब तक हमें आती नहीं है। कल मैं टीवी देख रही थी तो कोई काम था, यानी कि पास्ट हो गया। ठीक है, रहा रहा या रही आ गया, तो मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था। तो कल कोई काम हो रहा था तो पास्ट ये हो गया, था हो गया। था से पता चल रहा आपको पास्ट है, और रहा रही से पता चल गया आपको कि कंटिन्यूअस टेंस है। सीधी सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी। नहीं, पप्पू जी ने कुछ ठीक बोला, थोड़ा सा गलत किया पप्पू जी ने, अदरवाइज ठीक बोला। ठीक है, गुड। देखो प्रीति, क्या होता है, देखो दो चीजें होती है। एक तो मैंने कहा कि मैं खेल रही हूं, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक एक्टिविटी बताई है कि मैं खेल रही हूं, आई एम प्लेइंग। लेकिन जब सेंटेंस में कुछ ऐसा आए कि मैं कोई काम कितनी देर से कर रहा हूं, ठीक है, कोई काम, जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि मैं खेल रहा हूं। लेकिन जब मैं ये बताऊं ना कि मैं कितनी देर से खेल रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं कितनी देर से चला हुआ है, इन दैट केस आप हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन का यूज करोगे। अगर प्रेजेंट में होगा तो हैव बीन, पास्ट में होगा तो हैड बीन, और फ्यूचर में होगा तो विल हैव बीन। तो आपने सेंटेंस में ये देखना है, देखो रहा हूं यहां पर भी आया हुआ है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर भी रहा हूं। हाँ हाँ परफेक्ट, ठीक है ना। देखो क्या है, रहा हूं मतलब हो गया कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कोई एक्टिविटी चल रही है लेकिन काम शुरू हो चुका था ना पहले से, ठीक है, एक्टिविटी जो मैंने करना शुरू की है, जो मैं कर रहा हूँ वो पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पर एक तरीके से परफेक्शन आ जाएगा आपका। परफेक्ट मतलब काम स्टार्ट हो गया पहले, तो दोनों चीजें आ गई इसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, अब 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो प्रेजेंट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे था लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, है हो गया तो हैव हो जाएगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, हैड बीन आ जाएगा यहां पर। मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है। प्रदीप, कुक्ड फूड का मतलब कोई काम मैंने कर लिया था पास्ट में। ये क्या है कि मैंने खाना बना लिया है। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने खाना बना लिया है, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने खाना बना लिया है, तो मतलब वो एक्टिविटी अभी अभी हुई है। तो यस, आई हैव कुक्ड फूड, मैं 5 बजे से टीवी देख रही हूं, यस, मैं 5 बजे से टीवी देख रही हूं। नहीं, मैंने 5 बजे से बोला है ना, 5 बजे से कहा, सिंस का यूज होगा। अगर मैं बोलूं कि देखो मैंने यहां पर एग्जैक्ट टाइम बताया ना, तो यहां पर सिंस का यूज होगा। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि कितने बजे से कोई काम स्टार्ट हुआ है, इन दैट केस यू विल यूज सिंस। जब मैं ये बोलती कि मैं 5 घंटे से, अगर 5 घंटे से बोलती हूं मैं, फिर आप 4 का यूज करोगे, क्योंकि वो 5 घंटे से अब आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि काम कब से शुरू हुआ। अब 5 घंटे तो कब से भी हो सकते हैं ना, एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन अगर हाँ,
फोर मान लो है, इसमें सिंस लगेगा। एक तरीके से आप ये समझ लो, जहां पर पहेलियां बुझाई जा रही है, ठीक है, जहां पर पहेलियां बुझाई जा रही है वहां पर आप फोर का यूज करोगे। कोई आप पूछ रहे हो कि आप कितने कितने कब से टीवी देख रहे हो, अब मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि मैं कितने बजे से वो काम कर रही हूँ, मैंने क्या कहा 5 घंटे से टीवी देख रही हूँ। तो इसमें आपको एग्जैक्ट पता नहीं ना चल रहा कि कब से काम स्टार्ट हुआ। मैंने कहा मैं पिछले हाँ, अगर 5 घंटे है तो 4 आ गया, 5 बजे से है तो सिंस आ गया। मैंने कहा मैं आपको संडे से पढ़ा रही हूँ, नहीं सिंस आएगा। प्रीति प्रीति देखो क्या होता है, कोई काम कब से हो रहा है तो वहां पर फोर और सिंस का यूज होगा। अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको मंडे पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू ऑन मंडे, कोई काम कब से हो रहा है, हाँ हाँ, क्या बोल रहा प्रदीप जी, देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कोई काम 1 वीक से हो रहा है, ठीक है, मैंने कहा 1 वीक से हो रहा है, यहाँ पर मैंने कहा कि संडे से हो रहा है, संडे जहां पर नाम आ गया ना, ये देखो तो नाम आ गया यहाँ पे, ये पे नाम आ चुका है, मैंने कहा है 5 मंथ्स, ठीक है, यहां पर मैं बोल रही हूं मार्च, तो यहां पर क्या, यहां पे नाम बताया हुआ है ना, यहां पर नाम बताया हुआ है आपको, मार्च है, संडे है, या 5 बजे से है, या फिर 2013 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है। अब मैं यहां पे बोलूं 5 ईयर से कोई काम हो रहा है, ठीक है, यस, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 1 वीक, फॉर 5 मंथ्स, यहां पर मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। अगर ईयर है तो कौन सा है, 2013 है, अगर वीक है तो कब से शुरू हुआ, संडे से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मंथ 5 मंथ से है, लेकिन मुझे मंथ का नाम बताओ कब से, मार्च से। तो यहां पर जब एग्जैक्ट आपको बताया जा रहा है कोई काम कब से स्टार्ट हुआ, इन दैट केस यू विल यूज सिंस, अदरवाइज 4। कल मैंने राहुल को कॉल किया, यस, कल मैंने राहुल को कॉल किया, कौन सा टेंस है, फ्यूचर, पप्पू जी, पप्पू जी आप बताओ, प्रदीप, यस, अभी अभी प्रदीप को बोलने दो, लेट हिम स्पीक, वाओ, कल कोई काम हो चुका है, कल मैंने राहुल को कॉल किया, सिंपल पास्ट है, यहां पे कोई फ्यूचर का है कि मैं कल राहुल को कॉल करूंगा, है कहीं पे फ्यूचर बोलने वालों, कल बोल रहा है मैं, मतलब क्यों, आप सेंटेंस को पूरा पढ़ो ना प्रीति, कल मैंने राहुल को, मैंने ये नहीं कहा कि कल मैं राहुल को कॉल करूंगी, मैंने कहा मैंने कल राहुल को कॉल किया, मतलब दैट हैज हैपन्ड इन द पास्ट, वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, तो क्या ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, यस, सब्जेक्ट प्लस वी1 वी2 प्लस ओ, हम्म,
तो देखो कोई काम कल हुआ है, तो कल के लिए मैंने क्या लिख दिया, यस्टरडे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, किसने कॉल किया? आई कॉल्ड राहुल। ठीक है, सिंपल टेंस सही है, सिंपल पास्ट। आप परफेक्ट में कहां पे जा रहे हो, यहाँ पे फ्यूचर में कहां पर जा रहे हो? सिंपल है कि कोई काम मैंने कल किया, कल मैंने राहुल को कॉल किया, यस्टरडे आई कॉल्ड राहुल। ठीक है, अच्छा अब ये है कल मैं राहुल को कॉल करूंगी। यस प्रदीप, कल मैं राहुल को कॉल करूंगी। आई विल कॉल राहुल। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, आई कॉल राहुल, आई विल कॉल राहुल। ठीक है, कल मैं टीवी देख रही थी, कल मैं टीवी देख रही थी। यस पप्पू जी, ठीक है सेंटेंस। ठीक है, ये गलत है। ठीक है प्रदीप, प्रदीप ये सेंटेंस सही है गलत है जो प्रीति ने बोला, पप्पू जी ने बोला? सही सेंटेंस है यस्टरडे, सही बोला आपने। ठीक है, क्योंकि थी मतलब वॉज आ गया ना। ठीक है प्रदीप, वॉज मतलब था या थी या थे, जो भी है मतलब था या थी। ठीक है, तो यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी, कल मैं टीवी देख रही थी, तो कोई काम था यानी कि पास्ट हो गया। ठीक है, रहा रहा या रही आ गया, तो मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो कल कोई काम हो रहा था, तो पास्ट ये हो गया, था हो गया, था से पता चल रहा आपको पास्ट है, और रहा रही से पता चल गया आपको कि कंटिन्यूअस टेंस, सीधी सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी, कल मैंने टीवी देखा। यस यस्टरडे आई वॉच टीवी, यस्टरडे आई वॉच मैम नॉर्मल वॉच वॉच टीवी, ये वाला सही है, इतना ही है, यस्टरडे आई वॉच टीवी। ठीक है प्रदीप, आप बताओ सही है गलत है? प्रीति ने बोला यस्टरडे आई वॉच टीवी, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? वेरी गुड, यस। ठीक है, यहाँ पर लगेगा
वॉच, ईडी लग जाएगा यहाँ पे. यस्टरडे आई वॉच्ड टीवी. वॉच मतलब देखना, वॉच्ड मतलब देखा, पास्ट. ज्यादातर वर्ब में क्या होता है प्रीति, ज्यादातर वर्ब्स में होता है ईडी लग जाता है, ईडी लग के पास्ट बन जाता है. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो इरेगुलर होती हैं, तो किसी में तो तीनों सेम होती हैं, ठीक है, किसी में वो सेकंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है. अब जैसे गो वेंट गॉन है, ठीक है ना, हाँ गो वेंट गॉन हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें आप गैस नहीं कर सकते हो कि सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या हो गया, ठीक है ना. अब जैसे लेट होता है एक वर्ड, लेट, लेट का सेकंड भी थर्ड भी सारा सेम होता है. तो जब जितना ज्यादा आप इस लैंग्वेज में पढ़ोगे, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी. और वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती है, इतनी सारी वर्ब्स को तो मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एक्शन तो अनलिमिटेड है, कितने सारे एक्शंस होते हैं. तो वर्ब्स जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे बोलने में, ठीक है. तो यस्टरडे आई वॉच टीवी, कल मैं टीवी देख रही होंगी. कल मैं टीवी देख रही होंगी. क्या ये कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे? Tomorrow I will watch TV. नहीं रही, अच्छा रही. Tomorrow I will watching TV. I will be. Tomorrow I will be watching TV, ma'am. Yes, Pradeep. Pappu ji. इसका हो जाएगा मैडम, Tomorrow I will be watch TV. देखे क्या है ना, टुमारो, ठीक है, कल के लिए टुमारो लग गया. मैं टीवी देख रही होंगी, तो आई विल बी, ठीक है, वॉचिंग टीवी. टुमारो आई विल बी वॉचिंग टीवी, कल मैं टीवी देख रही होंगी, है ना. तो यहां से आपको पता चल गया कि ये फ्यूचर है, ठीक है, ये गागी से पता चल गया आपको कि फ्यूचर लग गया, ठीक है, ये फ्यूचर हो गया. और रहा रही से क्या पता चल गया आपको, कंटिन्यूअस टेंस. कल मैंने उसे इग्नोर किया, इग्नोर मतलब नजरअंदाज. कल मैंने उसे इग्नोर किया, कल मैंने उसे, ये उसे यूज हुआ है लड़के के लिए, ठीक है. कल मैंने उसे इग्नोर किया. टेन मिनट्स आर लेफ्ट. पप्पू जी सेंटेंस सही बोला प्रीति ने, Yesterday, यही बोला आपने प्रीति? Yes, ma'am. क्योंकि बॉय के लिए बोल रहा है ना. प्रदीप सही है सेंटेंस? सही है. पक्का सही है? सही है. पप्पू जी Yesterday I ignored him. कल मैंने उसे इग्नोर किया, ठीक है. तो यहाँ पे इग्नोर में क्या हुआ, ईडी लग गया, तो ये पास्ट बन गया. यस्टरडे आई इग्नोर हिम, आई इग्नोर हिम. अच्छा, मैं उसे इग्नोर कर चुका हूं, ये भी बॉय के लिए ही है, ठीक है. मैं उसे इग्नोर कर चुका हूं. सही है, बरोबर है पप्पू जी. पक्का सही है, चलो ठीक है, गुड, ठीक है.
आई हैव इग्नोर्ड हिम। कर चुका हूं मतलब कर लिया है, तो हैव इग्नोर्ड। मैं उसे 2 दिनों से इग्नोर कर रहा हूं। कितना इग्नोर करोगे? मैं उसे, अब ये गर्ल के लिए ठीक है, मैं उसे 2 दिनों से इग्नोर कर रहा हूं। कर रहा हूं यस, मैं उसे, लड़की को मतलब, मैं उसे 2 दिनों से इग्नोर कर रहा हूं। आपको पता ही होता है ज्यादातर का, ठीक है। तो अभी दूसरों को भी मौका देते हैं थोड़ा सा। पप्पू जी आप बताओ। एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज। इग्नोरिंग किसको? हाँ इग्नोर किसको कर रहा हूँ? लड़के के लिए, अगर उसे बोलना है लड़के के लिए होता है हिम फॉर बॉय, ठीक है, और लड़की के लिए होता है हर। कुछ कुछ नजदीक हो, कुछ कुछ गलत है। यस पप्पू जी। आई हैव बीन इग्नोर्ड, आई हैव बीन इग्नोर्ड टू। यस प्रीति, प्रीति आप बताओ। मैं बार 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 आपको रहा पे बार बार मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अरे तब से मैं हाईलाइट करे जा रही हूँ, रहा है रहा हूँ यहाँ पे, तो देख ही नहीं रहे हो। मतलब 2 दिनों से कोई काम शुरू है वो कंटिन्यू चल रहा है ना, मैं 2 दिनों से इसको इग्नोर कर रही हूँ, अभी भी इग्नोर कर रही हूँ। 2 दिनों से मैंने इग्नोर करना शुरू किया, मेरी किसी से लड़ाई हुई और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, अभी भी इग्नोर कर रही हूँ 2 दिनों से। तो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, इग्नोर करना मैंने स्टार्ट किया पास्ट में एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, मैं अभी भी उसको इग्नोर कर रही हूँ, तो इसलिए रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसको इग्नोर किया या कर चुकी हूँ, मैंने कहा कि मैं उसे 2 दिनों से इग्नोर कर रहा हूँ, 2 दिनों से कर रहा हूँ, अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन इग्नोरिंग, रहा है आ गया, ठीक है, तो आई एन जी फॉर्म लग गया यहाँ पे। लड़की के लिए हर का यूज हुआ है ना, उसके लिए यहाँ पर हर यूज हुआ है लड़की के लिए, तो मैं उस लड़की को इग्नोर कर रहा हूँ। आई हैव बीन इग्नोरिंग हर, इग्नोर कर रही हूँ कितने दिनों से, फॉर 2 डेज। मैंने यहाँ पर संडे नहीं कहा, मंडे नहीं कहा, ट्यूजडे नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, तो आपने 4 का यूज करना है। यहाँ पर 2 डेज बोला है, मैंने कोई नाम नहीं लिया ना किसी डे का। अगर मैं किसी डे का नाम लूं, दैट केस यू विल यूज सिंस। ठीक है प्रीति। हाँ अच्छा, अब मैं सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। मैं उसे 2 दिनों से इग्नोर कर रही थी, अब क्या होगा इसका? कर
थी आई